अब अगली खबर शहीद उधम सिंह से जुड़ी हुई है, उस शहीद की जिसने जनरल डायर को मौत के घाट उतारा था, जिसने जलियांवाला बाग का बदला लिया था, लेकिन उनके पोते और परपोते दिहाड़ी मजदूर हैं और किसी तरह अपनी जिंदगी गुजार रहे हैं। अब इस पर एक किताब भी छपी है। पोजीशंस, लोड, फायर। तेरह अप्रैल 1919 जब जलियांवाला बाग चीख पुकार से भर उठा, जनरल डायर और उसके सैनिकों ने हर तरफ लाशों के ढेर लगा दिए, लेकिन निहत्थों पर हुए इस हमले का बदला लेने उधम सिंह लंदन जा पहुंचे और तब पंजाब के लेफ्टिनेंट गवर्नर रहे माइकल ओड्रार को मौत के घाट उतारकर खुद शहीदों में शामिल हो गए। आजाद भारत की संसद के रास्ते पर खिले ये फूल भले ही उन शहीदों की याद दिलाते हों, लेकिन इन पर थके कदमों से चलते जीत सिंह और उनके बेटे की हालत सरकार और सिस्टम के रवैये पर संजीदा सवाल उठाते हैं। बहुत बुरा हाल है जी, बुरी तैयारी करते उधम सिंह के पोते और परपोते पंजाब के संगरूर में दिहाड़ी मजदूर का काम करते हैं और साल में एक बार उन्हें याद कर लिया जाता है महज रस्म अदायगी के लिए। शॉल पाके चले जाते हैं, लोई जो लोई ऊपर लेते हैं और लोइयां गला में पाके चले जाते हैं। राजपथ पर पसीने से लथपथ, थके कदम और चेहरे से टपकती मायूसी, कुल जमा पूंजी इस थैले में है, मानो पूछ रहे हों कि हमारी हालत देख कितने लोग देश के नाम शहीद होने को तैयार होंगे। अगर ऐसे ही सरकारों ने यही अनदेखी शहीदों की करते रहे तो आगे तो इन्हें भूखे पेट सोना पड़ता है, तो कोई याद नहीं आएगी। बदहाली और गुमनामी में जी रहा शहीदों का ये एक लौता परिवार नहीं है, अब तो एक पूरी किताब छप चुकी है जिसमें 22 ऐसे शहीदों के परिवारों की दास्तां है। आज हम अगर स्वतंत्र भारत में सांस ले रहे हैं इसलिए ले रहे हैं कि उधम सिंह जैसे लोग बलिदान दिए। शहीदों की चिताओं पे लगेंगे हर बरस मेले, वतन पे मिटने वालों का बाकी यही निशान होगा। सरकारों ने इसे सही साबित कर दिया, कोई पूछने नहीं जाता, कोई जानने नहीं जाता कि आखिर इन शहीदों के परिवार किन हालातों से गुजर रहे हैं और आखिर जिंदा हैं तो हैं कैसे। नई दिल्ली से कमलकांत के साथ शारिक खान, एनडीटीवी इंडिया।